पीटीआई एमएनए को पीपल्स पार्टी की जानिब से पैसों की ऑफर। रुकन कौमी असेंबली नुसरत वाहिद का वीडियो बयान सामने आया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें 16 करोड़ रुपए ऑफर किए गए हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब और सिंध से पैसों की ऑफर हुई। आइंदा इंतखाबात के बाद मखसूस नशिस्त देंगे, ये पेशकश भी की गई। हराम का पैसा नहीं लेना चाहती, हराम का पैसा शक्ल ही नहीं नस्ल भी बिगाड़ देता है। पीपल्स पार्टी की तरफ से दो दफ़ा ऑफर आई है, एक पंजाब से और एक सिंध से, और पीपल्स पार्टी के ही लोग थे जिन्होंने मुझे कहवाया किसी के थ्रू, और ये ऑफर काफ़ी बड़ी ऑफर है जो कि मेरे ख्याल में इसको रेजिस्ट करना अच्छा सा मुश्किल काम है। 16 करोड़ की थी। मैं इस किस्म के पैसे के ऊपर इसलिए बिलीव नहीं करती कि मेरा ख्याल ये है कि हराम की कमाई जो है वो शक्लें नहीं बिगाड़ती, वो आपकी नस्ल बिगाड़ देती है। पार्टी बदल लो, मंजिल बदल लो, हमारे पास आ जाओ, 16 करोड़ रुपए देंगे, यही नहीं आइंदा इंतखाबात में मखसूस नशिस्त भी देंगे। पीटीआई एमएनए ने पीपल्स पार्टी के जानिब से ये सब कुछ पेशकश की गई, ऐसा दावा किया। पीपल्स पार्टी पंजाब और सिंध से पैसों की ऑफर हुई। नुसरत वाहिद ने ऐसा बताया। आइंदा इंतखाबात के बाद मखसूस नशिस्त की ऑफर दी गई है, 16 करोड़ रुपये ऑफर किए गए हैं, लेकिन मैं हराम का पैसा नहीं लूँगी। हराम का पैसा शक्ल ही नहीं नस्ल भी बिगाड़ देता है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। पीटीआई रुकन नुसरत वाहिद का वीडियो बयान सामने आया। उन्होंने इल्जाम लगाया, ये दावा किया कि पीपल्स पार्टी पंजाब ही नहीं, पीपल्स पार्टी सिंध भी पैसों की पेशकश कर रही है, सीट की ऑफर कर रही है, ऐसा उन्होंने कहा।